हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार पांडे, जुपिटर क्लासेस एजुकेशनल एकेडमी। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में आपको पता है 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर में केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उस 3 पार्ट में पहला पार्ट जो आपका है फिजिकल केमिस्ट्री है। दूसरा पार्ट आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिनमें से हम आपको थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन जो है कि हार्ड है, उसमें आपको थोड़ी सी रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन होती है उसमें। जैसा कि आप कहेंगे वोल्टेज रिएक्शन और कोल्बी रिएक्शन, रेमर-टेमर रिएक्शन, होम-फ्रेकर रिएक्शन, कोल्बी परीक्षण, विक्टर वेयर परीक्षण, लुकास परीक्षण। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, जिनमें से एक आपकी केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा, कोल्बी रिएक्शन। उस कोल्बी रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि क्या है। पहले तो मैं आपको फार्मूला बताएंगे, फार्मूला में आपको यह पता चल जाएगा कि है क्या और किसके साथ रिएक्शन करना पड़ता है। रिएक्शन में थोड़ी दो बात और ध्यान रखनी पड़ती है कि रिएक्शन होने तो जा रही है, लेकिन किसके साथ रिएक्शन होगी, किसके प्रेजेंस में होगी और क्या मेरे प्रोडक्ट मिलने वाला है। दो तीन बात आपको उसमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो फर्स्टली हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कोल्बी रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। और सोडियम सैलिसिलेट बनने के बाद एक प्रबल एसिड के साथ पुनः क्रिया कराई जाती है, तो आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है और आपका NaCl बाहर चला जाता है। तो इसको थोड़ा हम देखते हैं कैसे। सोडियम फिनॉक्साइड का फार्मूला ये हो गया आपका C6H5ONa प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसको हम क्या करेंगे, 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या करेंगे, हमको रिएक्शन करानी है। तो बन जाता है आपका, ये आपका हो जाएगा OHCOO यानी प्लस। इसके साथ प्रबल एसिड के साथ जब गर्म करने के हम प्रबल एसिड जैसा कि HCl होता है, HCl के साथ हम क्या करेंगे, Na और Cl को हम बाहर कर देंगे, H इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो बन जाएगा आपका आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल एसिड। ये आपका बन गया C(OH) प्लस NaCl। ये आपका है आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। यह आता है सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका सोडियम सैलिसिलेट। इसी तरह से इसमें क्या है, हाई टेम्परेचर के साथ जब गर्म करेंगे तो बनेगा, लेकिन आर्थो के स्थान पर पैरा पोजीशन बनेगी। ये देखिए आपको, ये आपका है सोडियम फिनॉक्साइड प्लस CO2 रिएक्शन कराएंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो बन जाएगा आपका आर्थो के स्थान पर पैरा पोजीशन जुड़ेगा। ये आपका हो जाएगा C(OH) यानी प्रबल एसिड HCl, तो आपका बन जाएगा ये OHCOO प्लस NaCl। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, इसको बोलते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। आप आर्थो पोजीशन आप जानते होंगे, ये दिखा
इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, जब सोडियम फिनॉक्साइड को 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम सल्फेट प्रबल एसिड के साथ पुनः रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड प्लस NaCl। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कोलबे रिएक्शन। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैं जो भी त्रुटि होगी आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चन आपको करना होगा तो तुरंत उसे क्वेश्चन करके अपना डाउट क्लियर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।